हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्सटाइल के बारे में, ठीक है। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो हम लोग क्लियर कर लेंगे एक हफ्ते में। टेक्सटाइल का मैक्सिमम पॉइंट, एटलीस्ट TGT के जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो हम करा ही देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और कमेंट में बताइए कि दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ऑडियो विजुअल सब सही है, बताइए फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को क्लियर करेंगे हम लोग। नमस्ते नीतू जी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे क्योंकि ये रिवीजन का प्रोसेस चल रहा है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं, सब कुछ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम लोग, हमारा चैप्टर है तीसरा, क्योंकि पहले और दूसरे चैप्टर में ऐसा कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर जो कि है वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, 3 मार्च 1960 से, नमस्ते दिव्या जी, नमस्ते, नमस्ते नीतू जी, चलिए आप सबका स्वागत है। 3 मार्च 1960 से संयुक्त राज्य कांग्रेस ने वस्त्र तंतु उत्पादन पहचान अधिनियम बनाया। ध्यान से समझिएगा कि वस्त्र तंतु उत्पादन पहचान अधिनियम कब बना, तो 3 मार्च 1960 को बना था। कुछ करना है तो उनके, इसके अनुसार सभी वस्त्र के लेबलों पर 5% से अधिक, ध्यान से दीजिए समझिएगा, 5% से अधिक मात्रा वाले तंतुओं का नाम तथा प्रकार का उल्लेख होना आवश्यक है। यानी कि जो भी वस्त्र है अगर उसमें 5% से अधिक कोई तंतु का उपयोग होता है या फिर कुछ भी मटेरियल यूज होता है 5% से ऊपर, तो उसका नाम होना आवश्यक होता है। तो यह क्या है, यह अधिनियम बना था वस्त्र तंतु उत्पाद अधिनियम 1960 में, ठीक। नमस्ते संतोष जी, नमस्ते अनु जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हो गया, अब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, अब आया तंतुओं का वर्गीकरण। तंतुओं का वर्गीकरण में देखिए क्या है, सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि जो तंतु है वह दो तरीके के होते हैं। आप सबको पता होगा कि तंतु दो तरीके का होता है, एक तो प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, या फिर कृत्रिम कहेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक प्राकृतिक, एक यानी कि नेचुरल फाइबर, और आर्टिफिशियल फाइबर। जो कि देखिए, प्राकृतिक तंतु जो नेचुरल फाइबर है वो भी तीन भागों में विभाजित है। एक तो वनस्पति जगत से प्राप्त, दूसरा जंतु जगत से प्राप्त, और तीसरा खनिज जगत से प्राप्त, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक तंतु, उसने भी क्या है, वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, यहाँ तंतु का नाम दिया गया और यह दिया गया है सोर्स, यानी कि कहाँ से यह हमें मिलता है। तो बहुत ही क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं, इसलिए इस तरीके से हम लोग अच्छे से जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से हैं, तो सूत या फिर कपास, कॉटन, कहाँ से प्राप्त होता है, कपास के गुच्छे से, ठीक है, जो कि क्या होता है, पूर्णतः सेल्युलोजिक होता है। ध्यान से समझिएगा कि जो वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु होते हैं वो सेल्युलोजिक होते हैं, जबकि जो जंतु जगत से प्राप्त तंतु होते हैं वो प्रोटीन प्रधान होते हैं। बात आप लोग समझ रहे हैं, जंतु जगत से प्राप्त रेशे प्रोटीन प्रधान होते हैं, जबकि वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे सेल्युलोज प्रधान होते हैं। ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सूत क्या है, कपास के गुच्छे यानी कपास के बिनौलों से हमें प्राप्त होता है। लिनन हमें प्राप्त होता है, नमस्ते फरजान जी, लिनन हमें प्राप्त होता है फ्लैक्स के पौधे से। फ्लैक्स को सन का पौधा भी कहते हैं, सन के पौधे से यानी कि तने से हमें मिलता है, फ्लैक्स के पौधे के तने से मिलता है। जूट हमें मिलता है जूट के पेड़ से, जूट के पौधे से, जो कि तने से मिलता है। हेम्प मिलता है, हेम्प या अबाका का तना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कपास जो है वो बीज से प्राप्त होता है, जबकि जूट, लिनन और हेम्प ये हमें तने से प्राप्त होते हैं, यानी पौधे के तने से प्राप्त होते हैं, बात समझ रहे हैं। सीसल अगावा की फली से प्राप्त होता है। कापोक के वृक्ष से प्राप्त होता है, जो कि क्या है, कापोक के वृक्ष के बीज से बनता है, ठीक है। तो बीज से कौन कौन सा हमें रेशा प्राप्त होता है, कपास और कापोक, ये हमें बीज से प्राप्त होते हैं, जबकि फ्लैक्स, जूट और हेम्प जो है वो हमें तने की छाल से प्राप्त होते हैं। फर्क आप लोग समझते रहिएगा। रेमी चाइना घास से, कायर कोकोनट हस्क, और पिना पाइनएप्पल यानी अनानास की पत्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अनानास की पत्ती से हमें कौन सा रेशा मिलता है, तो हमें मिलता है पिना रेशा।
कौन सा रेशा, पीना रेशा, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पाइनएप्पल पीना करके याद करेंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये जितने भी रेशे हैं ध्यान से देखिए, ये सारे सेल्युलोजिक है, वनस्पति जगत से मिलने वाले रेशे पूरी तरीके से सेल्युलोजिक होते हैं, जबकि आगे देखिए जंतु जगत से मिलने वाले रेशे क्या होते हैं, वो प्रोटीन प्रदान होते हैं। कन्फ्यूज कहीं भी मत करिएगा, सब कुछ हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कुछ दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग फटाक से आप लोग पूछ लीजिए। तो प्राणिज, अभी हम लोगों ने देखा जंतु जगत से वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे को, अब हम लोग देखेंगे जंतु जगत से प्राप्त रेशे को। तो कौन कौन से, तो ऊन है, रेशम है और बाल है। तो ऊन हमें मिलता है भेड़ से, जो कि प्रोटीन प्रदान है। रेशम हमें मिलता है रेशम के कीड़े से, जो भी, ये भी प्रोटीन प्रदान है। और बाल मिलता है बाल वाले प्राणी से, फॉर एग्जाम्पल हो गया खरगोश, हो गया ऊँट, हो गया, तो ये सब बाल वाले प्राणी से मिलता है, जो कि ये भी प्रोटीन प्रदान रेशे हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए खनिज जगत से प्राप्त तंतु जो होते हैं वो क्या है, वो एस्बेस्टॉस है। एस्बेस्टॉस खनिज जगत से प्राप्त तंतु है, जो कि कैसे मिलता है, चट्टान की किस में, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिलिकेट से। ठीक है, ये किस राइटर की बुक है, देखिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि देखिए ये है डॉक्टर मंजू पाटिनी की बुक है, और टीजीटी पीजीटी या किसी भी होम साइंस के कॉम्पिटिशन के लिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक, अभी लेकिन अभी टीजीटी का एग्जाम एकदम सर पे है, तो बुक का अगर आप चाहें तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है। अब देखिए मानव निर्मित तंतु या फिर कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा कौन सा है, ठीक है आगे देखते हैं। तो मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा कहने का मतलब कृत्रिम रेशा, वो भी दो तरीके का होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं, जो कृत्रिम रेशा होता है वो भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है मैनमेड, मानव निर्मित तो दोनों ही है, लेकिन आप लोग समझिए अभी फर्क हम समझाते हैं। एक होता है मैनमेड होता है, दूसरा होता है संश्लेषित। कहने का ये मतलब है कि जो ये रेशा है, तो जो मानव निर्मित रेशा यानी कृत्रिम रेशा कहना ज़्यादा ही उपयुक्त होगा इसको। तो कृत्रिम रेशा भी दो तरीके का होता है, एक तो मैनमेड होता है मानव निर्मित, और दूसरा संश्लेषित। मानव निर्मित में ये होता है कि इसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। यानी इस किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है, इसका आधार सेल्यूलोज होता है। जबकि जो संश्लेषित रेशा होता है, यह पूरी तरीके से रासायनिक प्रोसेस द्वारा यह बनाया हुआ रेशा है। फर्क आप लोग समझिए, कृत्रिम रेशा दो तरीके का होता है, एक तो मानव निर्मित यानी दोनों मानव निर्मित हैं, लेकिन एक तो होता है जो सेल्यूलोज आधारित होता है, जबकि दूसरा होता है पूरी तरीके से रासायनिक पर आधारित, रसायनों से बना हुआ रेशा। तो जो सेल्यूलोज पर आधारित रेशा है उसे हम लोग कहते हैं रेयॉन, ठीक है, रेयॉन कहते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो रेयॉन है उसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रेयॉन को किस नाम से, जो प्लास्टिक रेशा है तो देखिए वह रासायनिक है, क्या है, संश्लेषित रेशा के अंतर्गत आता है। मैनमेड तो है ही, उसमें भी आता है संश्लेषित रेशा के अंतर्गत। आगे देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि रेयॉन को और भी क्या कहते हैं। तो आपने बताया, आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। तो रेयॉन देखिए तीन तरीके का होता है, एक तो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, दूसरा विस्कॉस रेयॉन, तीसरा है कुप्रामोनियम रेयॉन। ठीक है, तो नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कॉस रेयॉन और कुप्रामोनियम रेयॉन। अब देखिए रेयॉन का दूसरा नाम है, ध्यान से समझिएगा, कृत्रिम रेशम, यानी कि जो रेशम के समान होता है, उस वो रेशम के समान कौन सा रेशा है, तो रेयॉन है। ठीक है, तो रेयॉन को ही कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो रेयॉन को कहते हैं, क्योंकि सारी क्वालिटी जो है सिल्क की वो किस में पाई जाती है, वो रेयॉन में पाई जाती है। तो रेयॉन मैनमेड होने की वजह से क्या है, ये सस्ता होता है, क्वालिटी देगा आपको सिल्क की, क्योंकि सिल्क काफ़ी एक्सपेंसिव रेशा है। ठीक, सिल्क के कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि रेयॉन के कपड़े थोड़े काफ़ी सस्ते होते हैं, और लुक और सारी चीज़ें, क्वालिटी सारी क्या देगी, सिल्क की देगी, जबकि होता क्या है, रेयॉन होता है। तो ये फर्क है, आप लोग ध्यान से चीजों को समझते रहिए। आगे देखते हैं सेल्यूलोज ईस्टर्स, तो एसिटेट कपास के टुकड़े या लकड़ी के, यानी कि ये भी सेल्यूलोज पे ही आधारित होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं संश्लेषित रेशा, यानी कि जो कि पूरी तरीके से रसायन पर आधारित होते हैं। तो नायलॉन, अरामिड, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और माइट
मॉड एक्रेलिक, ये सब क्या है, ये सब पूरी तरीके से रसायन पर आधारित है, यानी पूरी तरीके से यह संश्लेषित रेशा है। तो आप लोग ये फॉर्मूला जो संगठन है इसका यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक बात, आप लोगों को बुक उतनी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे चैप्टर के पीडीएफ फॉर्म में बना के मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आज मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊंगी वो मैं टेलीग्राम पर इस चैप्टर को शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, सही है, करेक्ट है दिव्या जी, रेयन को ही कृत्रिम रेशम कहते हैं। अब देखिए नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीमर, अब देखिए क्वेश्चन देखिए जहाँ जहाँ से आता है वही मेन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन मेनली यहीं से आ जाता है ज़्यादा, तो आप लोग यहाँ तक ही ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है। इसको आप हम दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है एक एक को डिस्कस करने का, तो जहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं सिर्फ वही हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि तंतु कितने तरीके के होते हैं, तो तंतु क्लासिफिकेशन फाइबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर तो क्लियर हो गया। अब देखिए सर्वप्रथम प्राकृतिक तंतु रेशम है, सबसे पहला प्राकृतिक तंतु कौन सा है, तो वो रेशम है, ठीक। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि रेशम की खोज सबसे पहले किस देश में की गई थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट से आंसर करिए, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेशम की खोज कहाँ की गई थी, हम आगे बढ़ते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में देखती रहूँगी। चाइना, करेक्ट आंसर फरजान जी, चाइना में रेशम की खोज की गई है, चाइना। नीतू जी, फरजान जी, सबका आंसर सही है, चाइना में। तो सर्वप्रथम प्राकृतिक तंतु रेशम है जिसकी खोज की गई थी चीन में, जो कि सबसे अधिक महंगा तंतु है और विशिष्ट गुणों वाला है। इसकी अनुकृति हेतु बनाया गया है और नाम दिया गया है कृत्रिम रेशम। ध्यान दीजिए, कृत्रिम रेशम किसे कहा गया, रेयन को ही कृत्रिम रेशम जो है वह कहा गया है। आगे देखते हैं, नए तंतुओं के उत्पादन में जो भी पूर्णतः रासायनिक विधि द्वारा कच्चे पदार्थों से प्राप्त किया जाता है उन्हें संश्लेषित तंतु कहा जाता है, यानी पूरी तरीके से रासायनिक पदार्थों से जो बनता है वह क्या कहलाता है, संश्लेषित रेशा कहलाता है। अब आगे देखते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट लाइन ही बस मार्क किए हैं, वही को हम लोग डिस्कस करेंगे। धागे की महत्वपूर्ण विशेषता उसके तंतु की लंबाई, आकृति, ऐंठन और रासायनिक विशेषताओं पर ही निर्भर करती है, यानी जो तंतु है, धागा है, जो धागा है उसकी विशेषता किस पर निर्भर करती है, तो तंतु की लंबाई, आकृति, ऐंठन और रासायनिक विशेषताओं पर करती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, हाँ करेक्ट है फरजान जी। जब हम लोग सिल्क पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्राकृतिक तंतु, अभी हम लोगों ने देखा प्राकृतिक, अब देखिए एक एक को डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, अभी हम लोगों ने तंतुओं का वर्गीकरण देखा, अब प्राकृतिक तंतु को डिटेल में देखेंगे। तो प्राकृतिक तंतु को डिटेल में हम लोग यहाँ देखते हैं, तो जो वनस्पति जगत से प्राप्त तंतु क्या है, प्राकृतिक तंतु, जो कि हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो बीजों से मिलते हैं और तने से मिलते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कौन सा जो तंतु है जो कि बीज से मिलता है, या कौन सा तंतु तने से मिलता है, ठीक है। तो चार्ट देख लीजिए आप लोग बहुत ही अच्छे से, तो बीज वाले तंतु कौन कौन से, कपास और कापोक, इन सब को हम लोग चैप्टर वाइज अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो बीज वाले तंतु हैं कपास और कापोक, ये हमें किससे मिलते हैं, उस पौधे के बीज से मिलते हैं। जबकि तने के छाल से कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं, लिनन जिसे कि जो कि फ्लैक्स के पौधे से मिलता है, जिसे हम लोग सन का भी पौधा कहते हैं, जूट है और हेम्प है, ये तीनों हमें तने से मिलते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, लिनन के तंतु में 70% तक सेल्यूलोज, ध्यान से समझिए, लिनन के तंतु में 70% तक सेल्यूलोज, 25% तक पेक्टिन तथा 5% अन्य अशुद्धियां जो है वह मिलती हैं। ये तो हो गया लिनन के बारे में। अब देखिए जूट के बारे में, तो जूट का जो पौधे की लंबाई होती है कितनी होती है, 5 से 12 फुट होता है, यानी जो जूट के पौधे की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 5 से 12 फुट इसकी लंबाई होती है। अब आगे देख लेते हैं, बांग्लादेश जूट उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो बांग्लादेश करता है, ठीक है। बांग्लादेश कितना करता है, तो लगभग 85% जूट का उत्पादन अकेले बांग्लादेश करता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, अब देखिए जंतु जगत से प्राप्त, रासायनिक संगठन के मुख्य भाग प्रोटीन का होने के कारण
जो उनका जो जंतु जगत के रेशे हैं वो प्रोटीन प्रदान किस लिए कहे जाते हैं, क्योंकि रासायनिक संगठन के मुख्य भाग क्या होता है, प्रोटीन के होने के कारण प्रोटीन तंतु भी कहे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ऊन है, रेशम है और बाल वाले, ऊन रेशम, मेनली ऊन और रेशम है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए कृत्रिम तंतु, अभी मैंने बताया कृत्रिम तंतु भी देखिए दो तरीके, एक तो मानव निर्मित, एक रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित तंतु। मानव निर्मित के अंतर्गत आ जाता है रेयॉन, कौन कौन सा रेयॉन, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कोस रेयॉन और कुप्रामोनियम रेयॉन। करेक्ट है नीतू जी, जो भी प्रोटीन से, जो भी जंतु जगत से मिलते हैं वो प्रोटीन प्रदान रेशे होते हैं। नमस्ते फरजान जी, नमस्ते सीनू जी। आगे देखते हैं, तो अभी मैंने बताया रेयॉन कितने तरीके का, तो नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम रेयॉन। अब इन सबको हम लोग जब आगे एक एक चैप्टर इसका डील करेंगे तो बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अभी आप लोग एक ओवरव्यू लीजिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट का। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत निकल के आते हैं। तंतुओं की विशेषताएं यानी कि फाइबर की प्रॉपर्टीज यानी उसकी विशेषताएं, कौन से तंतु की क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो तंतुओं की विशेषताएं होती हैं वह हम लोग तीन तरीके से जानते हैं, एक तो संरचना की प्रकृति के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन और तीसरा है आंतरिक संरचना के द्वारा। तो संरचना जो बाहरी संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। ध्यान से समझिएगा, बाह्य संरचना, तंतु की बाह्य संरचना को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अब देखिए मॉर्फोलॉजी को कैसे कैसे लंबाई में आकेंगे, फिर उसकी डेंसिटी यानी मजबूती इस तरीके से। तो सबसे पहले क्वालिटी हम लोग कैसे नापेंगे, तो लंबाई है। तो लंबाई की दृष्टि से तंतुओं को तीन रूपों में देखा जाता है। हम लोगों ने जाना होगा कि दो रूप होते हैं, एक तो फिलामेंट, एक स्टेपल होता है। ठीक है, लंबाई की दृष्टि से तंतुओं को तीन रूपों में देखा जाता है, एक तो फिलामेंट या फिर लंबे तंतु, छोटे रेशे जिसे कि स्टेपल तंतु कहते हैं, और तीसरा है रेशों की रस्सी, फिलामेंट टो। ठीक है, क्या है, तीसरा है रेशों की रस्सी, फिलामेंट टो जिसे कहते हैं। तो फिलामेंट या तंतु लंबा निरंतर रेशा होता है, यानी जिसकी फिलामेंट तंतु की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। यह एक रेशी भी होता है यानी मोनोफिलामेंट भी होता है और मल्टीफिलामेंट भी होता है, यानी एक रेशे भी होते हैं और बहु रेशे भी पाए जाते हैं। कौन से, फिलामेंट तंतु। यह तंतु चिकने और लहरदार होते हैं। ध्यान दीजिए, तंतु लंबे तंतु चिकने और लहरदार क्यों होते हैं, तो जो लंबे तंतु होते हैं और स्टेपल तंतु खुरदरे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन पिक कर पाएंगे। लंबे तंतु में जोड़ नहीं होता, वो एक तरीके से एक सार होते हैं, इसलिए वे क्या होते हैं, इनकी मजबूती भी ज्यादा होती है और इनकी सतह भी काफी चिकनी होती है। जबकि जो कि फिलामेंट स्टेपल तंतु होते हैं, सॉरी जो स्टेपल तंतु होते हैं वो छोटे होते हैं, उनमें जगह जगह जोड़ होने के कारण उनकी सतह क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, उनकी सतह खुरदरी होती है, क्योंकि स्टेपल तंतु में जोड़ ज़्यादा होने के कारण उनकी सतह खुरदरी होती है और ये काफ़ी कमज़ोर रेशे होते हैं, किसकी अपेक्षा, फिलामेंट तंतु की अपेक्षा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई कि फिलामेंट तंतु और स्टेपल तंतु क्या है, इसके आगे हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए, छोटे रेशे को इंच या सेंटीमीटर में नापते हैं, यानी जो स्टेपल तंतु होते हैं उनको हम लोग किस में नापते हैं, इंच या फिर सेंटीमीटर में नापते हैं। जबकि यहाँ नहीं दिया है, लेकिन जबकि लंबे तंतु यानी जो फिलामेंट तंतु होते हैं उनको हम लोग मीटर में नापते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेपल रेशे को, स्टेपल तंतु को इंच या सेंटीमीटर, जबकि लंबे रेशे यानी कि फिलामेंट तंतु को किस में नापेंगे हम लोग, किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे। इनकी लंबाई एक औसत यहाँ पर एवरेज लंबाई दी हुई है कि 3.5 यानी 3/4 इंच से लेकर 18 इंच तक होती है, किसकी, स्टेपल तंतु की लंबाई। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि सिल्क को छोड़कर सभी प्राकृतिक जो तंतु होते हैं वो स्टेपल होते हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक तंतु छोटे होते हैं यानी स्टेपल होते हैं केवल सिल्क को छोड़कर। सिल्क क्या है, प्राकृतिक होते हुए भी क्या है, यह फिलामेंट के अंतर्गत आता है, क्योंकि सिल्क एक लंबा रेशा, अनियमित लंबाई वाला रेशा है। ये फर्क आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इसीलिए कारण इसकी सतह भी चिकनी होती है या खुरदुरा नहीं होता, जबकि बाकी प्राकृतिक तंतु की जो सतह होती है वह खुरदुरी होती है। कारण क्या है, क्योंकि वह छोटे होते हैं और उनमें जोड़ और ऐठन ज़्यादा पड़ती है। बात समझ रहे हैं आप लोग, आगे देखते हैं। डायमीटर आकार या डेनियर किसे कहते हैं, डायमीटर आकार या फिर डेनियर किसे कहते हैं, आगे देखते हैं।
तंतुओं का आकार वस्त्र के रूप और हाथ में लेने पर कैसा अनुभव हो रहा है इसे निर्धारित करने में महत्वपूर्ण, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे हम लोग कि लंबे तंतु घुंघराले खुरदुरे आकारी और कड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, लंबे तंतु क्या होते हैं वो खुरदुरे नहीं होते, उनकी सतह खुरदुरी नहीं होती है, जो लंबे तंतु होते हैं फिलामेंट तंतु उनकी सतह खुरदुरी नहीं होती है, वो मजबूत होते हैं, ये मजबूत होते हैं, घुंघराले होते हैं लेकिन उनकी सतह खुरदुरी नहीं होती है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, लंबे तंतुओं में दबाव सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, मजबूती के कारण उनमें दबाव सहने की भी क्षमता ज़्यादा होती है। महीन तंतु नर्मपन और लचीलापन प्रदान करते हैं, यानी फाइन तंतु यानी कि फाइननेस होती है जिनमें, वो क्या करते हैं नर्मपन और लचीलापन प्रदान करते हैं। महीन तंतुओं से बनने वाले वस्त्र में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है, यानी कि लटकनशीलता का गुण होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं कि कौन से तंतु की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया है तंतु और लंबाई, ऊन की लंबाई देखिए कितनी होती है 2 से 16 इंच तक, याद रखिएगा ऊन की लंबाई 2 से 16 इंच तक होती है, स्टेपल तंतु है केवल सिल्क रेशम को छोड़कर। रेशम की लंबाई देखिए 600 से 1000 गज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यह फिलामेंट तंतु है। ऊन क्या है एक स्टेपल तंतु, इसकी लंबाई होती है 10 से 16 इंच। कपास क्या है, कपास की लंबाई होती है 0.5 से लेकर 2.15 यानी 2.25 इंच तक इसकी लंबाई होती है। फ्लेक्स का कितनी लंबाई होती है तो 12 इंच से लेकर 20 इंच तक फ्लेक्स की लंबाई होती है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे देख लेते हैं, प्राकृतिक तंतुओं में महीनता एक मुख्य विशेषता यानी फाइननेस, प्राकृतिक तंतुओं में फाइननेस महीनता यानी ये महीन होते हैं, ये महीनता इनकी एक मुख्य विशेषता होती है। इनकी महीनता यानी इनकी फाइननेस को किससे नापा जाता है, इनकी फाइननेस को नापा जाता है माइक्रॉन्स में। ध्यान से समझिएगा कि जो प्राकृतिक तंतु की फाइननेस को माइक्रॉन में नापा जाता है, जबकि जो मैनमेड तंतु है यानी जो संश्लेषित जो कृत्रिम रेशा है उनकी महीनता को उनकी फाइननेस को नापा जाता है डेनियर में। ध्यान रखिएगा प्राकृतिक तंतु की महीनता को माइक्रॉन में जबकि कृत्रिम रेशम की महीनता यानी फाइननेस को नापा जाता है डेनियर में। तो ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, फटाफट से आप लोग बताइए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आता है कि क्रिम्प क्या होता है। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि क्रिम्प से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्रिम्प होता क्या है। तो क्रिम्प जो है वो तंतुओं की क्वालिटी है जो कि क्या डिसाइड करता है, जो कि तंतुओं की क्रिम्प से बने तंतुओं के जुड़ने की क्षमता, प्रतिस्कंदता, घिसावट के प्रति अवरोधक खिंचाव और गर्मी के गुण कौन डिसाइड करता है, तो क्रिम्प कैसा है, क्रिम्प क्या है, यही डिसाइड करता है कि वस्तुओं की ये सारी विशेषताएं, उसकी तंतुओं की प्रतिस्कंदता, घिसावट के प्रति अवरोधक खिंचाव और गर्मी के गुण, ठीक है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, यह क्रिम्प के अंतर्गत आता है। क्रिम्प से तंतुओं की अवशोषकता में वृद्धि होती है, क्रिम्प से तंतुओं की अवशोषकता में वृद्धि होती है। तंतु त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा को आराम मिलता है किंतु इसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्रिम्प जो है वह रासायनिक तंतु यानी संश्लेषित तंतुओं में यंत्रों द्वारा डाला जाता है इस क्रिम्प की विशेषता को, जबकि प्राकृतिक तंतुओं में यह आराम से प्राकृतिक से ही यह मिल जाता है, ठीक है। यांत्रिक क्रिम्प जिसमें तंतु को नलीदार रोलर में से निकाला जाता है, उन्हें घुमाया जाता है और एक एक करके एक एक ओर से चपटा किया जाता है। प्राकृतिक क्रिम्प कैसे डाला जाता है, तो प्राकृतिक जो क्रिम्प होता है कपास और ऊन में प्रकृति से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक तंतुओं में क्रिम्प का गुण प्रकृति से ही प्राप्त होता है, जबकि रासायनिक तंतुओं में इसे अलग से डाला जाता है इसकी गुण को। अब आगे देखिए, अब देखिए तंतु के टूटने की क्षमता क्या है, टेंसिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। तंतु के टूटने की क्षमता को कैसे हम लोग नापते हैं, तो उसको टेंसिटी को ग्राम प्रति डेनियर में अभिव्यक्त करते हैं, यानी उसकी मजबूती को उसके टूटने की क्षमता को किसमें अभिव्यक्त करते हैं, तो ग्राम प्रति डेनियर में अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये चार्ट आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, चैप्टर में ऑलरेडी फिर से कह रही हूँ, टेलीग्राम पे मैं इसको शेयर कर दूंगी। अब देखिए लोचमयता यानी इलास्टिसिटी तंतुओं पर दबाव के बाद पुनः अपनी स्थिति में आने की क्षमता को क्या कहते हैं, लोचमयता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, या एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि तंतुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, तो इलास्टिसिटी कहते हैं। इसमें तंतु के में
दबाव सहने की क्षमता आती है। यह तंतु की परमाणु संरचना के कारण होता है जिसमें साइड की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ाव और मजबूत जोर से मिलती है। कहने का मतलब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए कि इलास्टिसिटी होता क्या है। इसमें क्या होता है, तंतुओं को चाहे खींचिए, मरोड़िए, सिकोड़िए, वापस जब उन्हें खोलिए तो वह अपनी स्थिति वापस पा जाते हैं। तो यही क्या कहलाती है, इनकी लोच महता कहलाती है। ठीक है, धन्यवाद संजना जी। सभी लोग वीडियो को फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक नया चैप्टर हम लोग देखेंगे, ये है तंतुओं का परीक्षण। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं तंतुओं के परीक्षण से। तो सबसे पहले हम लोग आँख द्वारा यानी देखने से, ठीक है, हाथ द्वारा स्पर्श करके परीक्षण करने के तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे। तो सूती वस्त्र हाथ द्वारा छूने पर क्या होता है, सूती वस्त्र छूने में शीतल और स्पर्श करने में मुलायम प्रत्यास्थता रहित होते हैं। लिनन के वस्त्र छूने में शीतल व चिकने होते हैं। ऊन के वस्त्र क्या होते हैं, ऊनी वस्त्र छूने में गर्म प्रत्यास्थता वाले व लचकदार होते हैं। ठीक है, रेशमी छूने में गर्म, नर्म व प्रत्यास्थता वाले होते हैं। रेयॉन क्या होते हैं, स्पर्श में शीतल, चिकने और प्रत्यास्थता रहित होते हैं। यानी कि प्रत्यास्थता, यानी कि इनमें रेयॉन में इलास्टिसिटी का गुण जो है वह नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। एसीटेट रेयॉन की अपेक्षा अधिक चिकने, प्रतिस्कंदी व उष्ण होते हैं, यानी कि गर्म होते हैं। ट्राई एसीटेट एसीटेट की अपेक्षा अधिक प्रतिस्कंदी होते हैं। ठीक है, नायलॉन को देख लेते हैं। नायलॉन बहुत चिकने, भार में हल्के, प्रत्यास्थता वाले व पर्याप्त स्कंदी होते हैं। तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, बाकी उतने आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही सारे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से कर रही हूँ जिसका आंसर आप लोग अभी फटाक से कमेंट बॉक्स में करिए कि जादुई रेशा किसे कहते हैं, जादुई रेशा मैजिकल फाइबर किसे कहते हैं, आप लोग फटाक से बताइए, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मैजिकल फाइबर, मैजिक फाइबर कौन सा होता है। आगे हम लोग देखेंगे दहन परीक्षण, आप लोग कमेंट करते रहिए। करेक्ट है सीनू जी, करेक्ट है अनु जी, सबका। फरजान जी करेक्ट, नीतू जी करेक्ट है, सबका करेक्ट है। नायलॉन, नायलॉन क्या है, नायलॉन है जादुई रेशा, सबका करेक्ट है। वॉश एंड वियर, हाँ, धुलो और पहनो, इसको आयरन की, स्टार्च की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट है संजना जी, नीतू जी, सीनू जी, फरजान जी, सबका करेक्ट आंसर है नायलॉन। नायलॉन को ही जादुई रेशा कहते हैं। अब देखिए दहन परीक्षण, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दहन परीक्षण। देखिए ये चार्ट बना है, काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से रीड करिएगा। अभी मैं आपको डिस्कस केवल इम्पोर्टेंट ही डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ तंतु दिया है ज्वाला के संपर्क में आने पर और राख। यहीं से क्वेश्चन आता है कि ज्वाला के संपर्क में आने पर राख और उसकी गंध कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले कपास को देखेंगे। कपास क्या है, झुलसता है, तेजी से जलता है। ठीक है, वनस्पति जगह से प्राप्त रेशा है, झुलसता है और तेजी से जलता है। इसकी राख कैसी होती है, तो चिकने ग्रे रंग के पंख के समान इसकी राख होती है। और इसकी गंध कैसी होती है, जलते हुए कागज के जैसी इसकी गंध होती है। क्यों, क्योंकि यह सेल्यूलोजिक रेशा है। ध्यान दीजिए, जितने भी सेल्यूलोजिक रेशे होते हैं उनकी गंध कैसी आएगी, तो जलते हुए कागज जैसी। ठीक है, और जो भी प्रोटीन प्रधान रेशा है उनकी गंध कैसी आएगी, जलते हुए बाल जैसी। तो ये आप लोग एक एक छोटे छोटे पॉइंट अगर क्लियर रखेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो लिनन का देखिए, झुलसता है और आसानी से जल जाता है। लिनन क्या है, झुलसता है, बहुत ही आसानी से जल जाता है। चिकने किनारे वाली भूरे रंग की राख होती है और जलते हुए कागज जैसी इसकी गंध होती है। ठीक, अब देखेंगे रेशम। रेशम क्या है, रेशम एक जंतु जगह से प्राप्त रेशा है, तो सुलगता है। ध्यान से दीजिए, जो भी जंतु जगह से प्राप्त रेशे हैं वह तुरंत नहीं जलते हैं, सुलगते हैं, क्योंकि वह बाल के होते हैं, तो सुलगता है, धीमी धीमी जलता है। ठीक है, और क्या होती है, इसकी गोल भुरभुरी चमकीले काले मन के जैसी आसानी से मसली जाने वाली क्या होती है, राख होती है। जलते हुए पंख या बालों जैसी इसकी गंध होती है। फर्क आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही आसानी से इसको आप लोग एग्जाम में कर ले जाएंगे। ऊन है, सुलगता है, क्योंकि जंतु जगह से प्राप्त रेशा है, प्रोटीन प्रधान है। ठीक है, भुरभुरी गहरे रंग की राख। ठीक है, अनियमित आकार, आसानी से मसली जाने वाली, दोनों की क्वालिटी देखिए एक है। जलते हुए पंख या बालों जैसी रेशम की, रेशम से तीक्ष्ण होती है, लेकिन क्या है, दुर्गंध फिर भी कैसी होती है, तो बाल जैसी होती है। आगे देखते हैं,
अब आते हैं एसीटेट पर, ठीक है। ऊन हो गया, कपास हो गया, लिनन हो गया, एसीटेट देखिए, एसीटेट गलता है, काला पड़ जाता है, रासायनिक रेशा है, ठीक है। एसीटेट काला पड़ जाता है, गल जाता है, रासायनिक रेशा है तो गल जाता है, ठीक है। तो अनियमित भंगुर कठोर काली राख मसलने में कठिनाई होती है, सिरके के समान इसकी दुर्गंध होती है। अब नायलॉन को देख लीजिए, नायलॉन क्या है, ज्वाला से गलता है, सिकुड़ जाता है, रासायनिक रेशा होने का ज्वाला से गलता है और सिकुड़ जाता है। फिर भूरी कठोर गोल मनके के समान इसकी राख होती है, अजवाइन के समान इसकी दुर्गंध होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक्रिलिक को देख लीजिए, गलता है, सिकुड़ जाता है, फिर भंगुर कठोर अनियमित काले मनके जैसी इसकी राख होती है, जलते हुए मांस की तरह जो है इसकी दुर्गंध होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो रेशे हो गए, तो इनके परीक्षण से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिए। अब रेयन देख लेते हैं, पॉलिएस्टर और रेयन को भी देख लेते हैं। पॉलिएस्टर जलता है, ज्वाला से जलता है व सिकुड़ता है, कड़े काले मोती के समान होती है और गंध कैसी होती है, मीठी होती है। रेयन क्या है, झुलसता व तेजी से जलता है, क्योंकि सेल्यूलोज आधारित है, ध्यान से समझिएगा, सेल्यूलोज आधारित है तो जलता है व तेजी से झुलस जाता है, हल्के भूरे पंख के समान जलता है, जलते हुए कागज के समान इसकी गंध जो है, जलते हुए कागज के समान इसकी गंध है। तो यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, फटाफट से आप लोग बताइए कमेंट पे। मम्मी आप लोग इसको देख लीजिए, इसको हम टेलीग्राम पे अच्छे से शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं नमी के परीक्षण पर, यानी कि गीले होने पर किसकी मजबूती खो जाती है या फिर किसकी मजबूती जो है वह अधिक हो जाती है। हाँ चलिए आगे देखते हैं नमी परीक्षण। तो सबसे पहले देखेंगे कपास। कपास से बने सूती वस्त्रों पर नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए धोते समय इन्हें रगड़ रगड़कर आराम से धोया जा सकता है। नम की अवस्था में इसके तंतु और भी मजबूत हो जाते हैं, यानी कि पानी पड़ने पर इसके तंतु और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, इसकी मजबूती क्या हो जाती है, गीली अवस्था में इसकी मजबूती बढ़ जाती है, किसकी, कपास की, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सिल्क कुछ भी एज सच लाइट नहीं लेना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लेते हुए चलेंगे, इसीलिए मैं फटाफट से आप लोगों को चीजें करा रही हूँ। रेशम, गीली अवस्था में रेशम का तंतु क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, गीली अवस्था में रेशम का तंतु कमजोर हो जाता है। यदि इसको अधिक देर पानी में रखा जाए तो रेशम का सफेद तंतु पीला पड़ जाता है, इसलिए इन्हें बिना धोए बिना रगड़े, इसीलिए रेशम के वस्त्र को जो है वो इसको मेंटेन करना, एक तो ये कॉस्टली होता है, दूसरा इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी खासी कॉस्टली होती है, इसीलिए सिल्क के समान जो हमें लुक देता है वो है रेयन, और ज़्यादातर हम लोग रेयन ही प्रिफर करते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि रेशम का तंतु शुष्क अवस्था में वातावरण की 10-30% नमी को अपने अंदर सोख लेता है, किसकी, सूखी हुई अवस्था में, यानी पसीना यह बहुत ही अच्छे से सोखता है। ऊन को देखते हैं, ऊन को अधिक समय तक पानी में रखने से इसके तंतु कठोर तथा खुरदुरे हो जाते हैं तथा गीली अवस्था में ये तंतु कमजोर हो जाते हैं। ऊन जो है वह गीली अवस्था में क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, यदि इन्हें अधिक समय तक नमी में रखा जाए तो सिकुड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो ऊन पर पानी का जो है वो बुरा प्रभाव पड़ता है, तंतु कमजोर हो जाते हैं। लिनन पर देखिए, लिनन का तंतु सूती वस्त्रों की अपेक्षा नमी को सोखता है शीघ्रता से, लेकिन यह जितनी शीघ्रता से नमी को शोषित करता है उतनी शीघ्रता से त्याग भी देता है, यानी कि जितनी शीघ्रता से नमी, यानी जितनी शीघ्रता से यह गीला होता है उतनी ही जल्दी यह सूख भी जाता है, यानी पानी को बहुत ही जल्दी छोड़ भी देता है, जितनी जल्दी सोखेगा उतनी जल्दी छोड़ेगा। कौन सा वस्त्र, लिनन का वस्त्र, जबकि कपास का जो वस्त्र होता है वह सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है। आगे देखते हैं रेयन, रेयन के तंतु पानी में कमजोर पड़ जाते हैं, ध्यान दीजिए रेयन के तंतु पानी में कमजोर पड़ जाते हैं तथा इसके तंतु रेशम के समान शुष्क अवस्था में वातावरण से 10-30% तक नमी जो है वह सोखते हैं। आखिर क्वालिटी तो सिल्क की ही है, इसीलिए तो इस तरीके से टेरिलिन छोड़ देते हैं। नायलॉन, टेरिलिन के साथ नायलॉन पर भी नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसके तंतुओं में नमी को शोषित करने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। नायलॉन में पानी को सोखने की क्षमता जो है वह उसकी कमी पाई जाती है या अभाव पाया जाता है, यह गीले को सोखता नहीं है, तभी नायलॉन के कपड़े फट से जो है वह धुल भी जाते हैं और फट से सूख भी जाते हैं, क्योंकि पानी सोखने की क्षमता कहाँ उसमें होती है, एक दो बार आप लोग फटकारिए तो खुद ही सूख जाता है, या वॉशिंग मशीन में ड्रायर कर दीजिए तो वह तुरंत सूख जाता है। पानी में डालने पर ये तंतु क्या हो जाते हैं, कमजोर नहीं होते हैं, ठीक है। पानी में डालने पर नायलॉन के तंतु कमजोर नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि नमी की अवस्था में या फिर सूखी अवस्था में।
अब यहाँ पर ऐसा जो ना कोई कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, नहीं निकल के आ रहा है, फिर भी मैं जो चैप्टर है उसको मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जब उसको पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, तो मैं सबको आप सब कुछ आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। वीडियो कैसी लगी आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं कमेंट देख रही हूँ, अब आप लोग पूछिए। दो मिनट का टाइम है, आप लोग पूछिए, फिर उसके बाद हम सेशन खत्म करते हैं। रात को 9:30 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर देखिए, जो हम रात में 9:30 बजे चीजों को कराते हैं तो मैं उसमें कराऊंगी आज। चलिए ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को। 9:30 बजे की क्लास आप लोग ज्वाइन करिएगा। टेक्सटाइल में जितने भी फाइबर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब मैं आप लोगों को करा देती हूँ आप लोग, लेकिन 9:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे चंदन जी देखिए, लर्न विद निहारिका करके सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद संजना जी, धन्यवाद सुषमा जी। नाइट में कितने बजे? 9:30 बजे, 9:30 बजे नाइट की क्लास चलती है रात में। हाँ, क्वेश्चन आंसर इसका करा देंगे टेक्सटाइल का। अभी देखिए, अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है, तो अभी एक लगातार इतना हमसे बैठा भी नहीं जाता, आप लोग रात में ज्वाइन करिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप हम नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भाई, अनु जी सॉरी। ₹69,000 के चक्कर में आप लोगों ने तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, अभी एक महीने का टाइम है, आप लोग जम के तैयारी कर लीजिए, जो भी कसर है वो आप इसमें एक महीने में पूरी कर लीजिए। चलिए चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, 9:30 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।